50,000 रुपए, एक नया लैपटॉप लेने का सबसे स्पेशल बजट, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रोफेशनल लैपटॉप एकदम ही बढ़िया मिल जाते हैं, मोस्ट पावरफुल एंड गेमिंग लैपटॉप की स्टार्टिंग हो जाती है, यानी कि बेसिक बढ़िया गेमिंग लैपटॉप का जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज 50,000 रुपीज। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, हर जगह AI काम कर रही है आजकल, तो मैंने क्या किया, ChatGPT टेस्ट किया इस वीडियो के लिए और ChatGPT से ये चीज पूछी कि कौन से बेस्ट लैपटॉप है 50,000 के अंदर जो कि बढ़िया रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे 2024 के अकॉर्डिंग। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड एंड अब आप भी ये चीज देख लो, 2024 में भी हार्ड डिस्क HDD वाले लैपटॉप रिकमेंड किए उसने, सैमसंग की क्रोमबुक विद क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद तो भाई मैंने हर बार की तरह अपनी डीप रिसर्च एंड एनालिसिस टेस्ट एंड रिव्यू करके आपके लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप ढूंढे जो कि अगले 3-4 साल तक आप इजीली यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इन सभी लैपटॉप्स की मैंने परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर रैंकिंग की है, हर एक लैपटॉप पिछले लैपटॉप से बढ़िया होगा। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। ये लैपटॉप ना स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स एंड ऑफिस के काम के लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है एंड इसका प्राइस भी बढ़िया है 47,000 रुपीज। कुछ चीजें हैं जो कि इस लैपटॉप के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, कुछ एडिशनल फीचर्स हैं लाइक सबसे पहला मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब है कि लैपटॉप के ऊपर ना Asus ने अपनी तरफ से बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है अपने बिल्ड क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी को। जिसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होगी तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद 180 डिग्री की हिंज, इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना हम उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हैं, बस घुमा के 360 डिग्री रोटेट नहीं करनी, 180 डिग्री यानी कि फ्लैट करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेसी शटर कैमरा एंड बैकलाइट कीबोर्ड, ये सारे हमें इसके अंदर एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। प्रोसेसर चेक करें तो इंटेल का i5 प्रोसेसर मिल जाएगा 12th जनरेशन का 1235U, यू सीरीज का प्रोसेसर है, बैटरी बैकअप हमें काफी बढ़िया मिल जाएगा ऑब्वियसली 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। स्कोर्स आपके सामने है, अब वीडियो पॉज करो एंड स्कोर्स चेक कर लो इसके। 8GB की DDR4 RAM मिल जाती है 3200 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 12GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस पीरियड के हर एक लैपटॉप के अंदर हमें मिलती है 45% NTSC एंड 220 nits की ब्राइटनेस के साथ। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा लैपटॉप में एंड जो इसके अंदर हमें पोर्ट्स मिल जाती है वो है HDMI 3.5mm कॉम्बो, 3 USB Type-A एंड 1 USB Type-C, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती है। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। एक सैमसंग का लैपटॉप मिल जाता है गैलेक्सी बुक 2। देखो जब ये सैमसंग का लैपटॉप लॉन्च हुआ था ना तब उसका प्राइस था 65,000 रुपीज एंड आज की डेट में ये सेल हो रहा है 50,000 के प्राइस पॉइंट पे। अब ये जो सैमसंग का लैपटॉप है ये टोटली अल्टरनेट ऑप्शन है Asus के लैपटॉप का VivoBook 15 का, दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा प्राइस का डिफरेंस है। अगर आपने सैमसंग का लैपटॉप बाय करना आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों के बेस्ट पेलिंग आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दी है। अब बात करते हैं इस पीरियड के हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप में से एक लैपटॉप की, MSI मॉडर्न 14 लैपटॉप। अकेला ऐसा लैपटॉप है जो कि आपको सिर्फ 50,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर ना i7 का 12th जनरेशन प्रोसेसर दे रहा है, प्राइस है 50,000 रुपीज एग्जैक्ट एंड प्रोसेसर मिल जाएगा i7 का 1255U 12th जनरेशन का 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। स्कोर्स आपके सामने है, एकदम ही टॉप लेवल के स्कोर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अब देखो प्रोसेसर इसका इतना अच्छा ना, रैम एंड स्टोरेज को चेक करें तो 16GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, डबल रैम मिलगी बाकियों के कंपैरिजन में। आफ्टर दैट 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है एंड लैपटॉप के अंदर हमें 180 डिग्री की हिंज एंड बैकलाइट कीबोर्ड, ये दोनों चीजें इसके अंदर भी दे रखी है। 14 इंच की डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप है, एकदम ही कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाता है, फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है, 45% NTSC 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, इंटेल के RS ग्राफिक्स हो गए, 3.8 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडैप्टर दिया गया, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप एंड टोटली लाइट वेट लैपटॉप है, सिर्फ 1400 ग्राम इसका वेट है। पोर्ट्स को चेक करें, HDMI पोर्ट मिल जाती है, 2 USB Type-A, 2 Type-A USB 2.0 एंड 1 Type-A USB 3.0 Gen 2, 1 Type-C पोर्ट भी मिल जाती है Gen 2। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो इसे, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस पीरियड का, क्योंकि i7 का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है एंड वो भी हमें 16GB की रैम के साथ, तो टोटली वर्थ इट चीज है। अगला लैपटॉप आ गया Asus का VivoBook 16X लैपटॉप। देखो अगर आपने कोडिंग करनी है, ऑफिस के काम करना चाहते हो, हैवी सॉफ्टवेयर यूज करने है ना, ऑलराउंडर प्रोफेशनल लैपटॉप ऐसे कह सकता हूँ एंड इसी के साथ ही अगर आपने ओकेजनली गेमिंग करनी है लो एंड मीडियम सेटिंग्स के ऊपर तो वो चीज भी लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा। करंट प्राइस चल रहा है 53,000 रुपीज, नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है 50,000 रुपए का, राइजन 5 प्रोसेसर है 5600H। देखो इसके अंदर ना हमें H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, प्रोसेसर ना इस पीरियड के अंदर जो आपको लैपटॉप मिल जाते हैं वो आपको 3 कैटेगरीज के अंदर मिलेंगे, UP एंड H। सिंपल चीज है, यू वाले बेसिक काम करने के लिए बने होते हैं, पी वाले उससे बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं एंड H वाले सबसे बढ़िया। बैटरी बैकअप का टोटली ऑपोजिट है, H वाले की बैटरी बैकअप सबसे कम है, फिर P सीरीज के प्रोसेसर के अंदर हमें ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा U सीरीज के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर हम हैवी काम नहीं कर सकते, पावर कम यूज करता है वो लैपटॉप। ये चीज तो होगी क्लियर। अब ये चीज समझो, इस पीरियड के अंदर ना आपको जो राइजन के बाकी प्रोसेसर मिल जाते हैं 5620
U25 होगा 5500U हो गया। ये दोनों प्रोसेसर ना बहुत ही ज्यादा फेमस है, बट स्कोर्स आपके सामने इन तीनों के कंपैरिजन में 5600H की जो परफॉर्मेंस है ना, दैट इज टोटली अनबीटेबल। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, हम फेमस चीज बाय कर लेते हैं बट फिर परफॉर्मेंस नहीं मिलती। आफ्टर दैट लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम जाती है, डुअल चैनल रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 16 इंच की WXG डिस्प्ले, 300 nits की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स हो गए, MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया 2021 वर्जन, 37W की बैटरी, 65W का अडैप्टर है, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड साथ में 3.5mm कॉम्बो, 180° की हिंच के साथ में बैकलेट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो इसे, हैवी काम करने के लिए बना हुआ लैपटॉप है, गो फॉर इट। अब ये लैपटॉप आ गया एसर का एक्सटेंसर। देखो इसका जो प्राइस है ना वो बहुत ही कम है, ये स्पेसिफिकली मेरे उन यूजर्स के लिए लैपटॉप बता रहा हूँ मैं आपको जिनका बजट थोड़ा कम होता है। 40,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है, बट जो हमें इसके अंदर प्रोसेसर मिल जाता है वो दी बेस्ट है। i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 1240p, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे ना उन सबके साथ कंपैरिजन आपके सामने है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। सिर्फ 40,000 रुपए हमने इन्वेस्ट करने है एंड टोटली प्रैक्टिकल लैपटॉप हमें मिल जाएगा। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया इसके अंदर, 8GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 14 इंच की डिस्प्ले में लैपटॉप मिलेगा आपको, फुल एचडी डिस्प्ले, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, 2 USB Type-A, 3.2 Gen 1, 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, RJ45, HDMI एंड microSD कार्ड रीडर, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। नेक्स्ट इज ऑनर का लैपटॉप X14 लैपटॉप, 50,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है, मेटल की बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ हम इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हैं, कोडिंग करना चाहते हो कैरी करने के लिए बहुत ईजी है, अगर आपने 4K एडिटिंग करनी है ना कम लेयर्स वाली तो वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। अब ये चीज यहाँ पे ना समझने वाली है, i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, 12450H, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। वीडियो के अंदर हमने जो प्रोसेसर देखे ना 1240p, 1235U, 5625U एंड 5600H, सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एक तो लेटेस्ट 12 जनरेशन का प्रोसेसर है एंड दूसरा एच सीरीज वाला प्रोसेसर है। एंड दूसरी चीज है इसकी रैम, 16GB की रैम मिल जाती है बट इसके मेगाहर्ट्ज़ ज्यादा है, 40-66 MHz वाली रैम मिल जाती है जो की फास्ट परफॉर्मेंस देती है, 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में, फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले 100% sRGB के साथ, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 300 nits की पीक ब्राइटनेस, इंटेल की USD ग्राफिक्स, MS Office हमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड 3.5mm जैक। लैपटॉप के अंदर में टाइप सी चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दे रखी है, 45% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो इसे आप, गो फॉर इट। इसका भी जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज असूस यूएबुक 15 लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप ना इस बजट का सबसे बढ़िया लैपटॉप है, इसके अंदर हमें 12450H से भी बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है, 12500H, बट एक चीज है कि ये लैपटॉप अवेलेबल बहुत ही कम होता है एंड इसका जो प्राइस है दैट इज 50,000 रुपीज। अगर आपको ये लैपटॉप 50,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तभी बाय करना इसे आप। प्रोसेसर दी बेस्ट i5 का 12 जनरेशन, प्रोसेसर का कंपैरिजन करके देखते हैं ना सभी प्रोसेसर के साथ तो सबसे बढ़िया प्रोसेसर हमें इसके अंदर दिया गया, 8GB की रैम, 12GB तक एक्सपेंडेबल है, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अगर आपको लैपटॉप अवेलेबल मिलता है 50,000 के प्राइस पे, गो फॉर इट, छोड़ने वाली डील बिल्कुल नहीं रहेगी फिर आपके लिए। देखो प्रोफेशनल लैपटॉप हमने बहुत से देख लिया, अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। HP Vitus एकदम ही नया लैपटॉप है। देखो ये चीज है, अंडर 50,000 के बजट में हमें जो लैपटॉप मिल जाते हैं ना वो हमें मिल जाते हैं 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ और या फिर उसके अंदर हमें GTX 1650 ग्राफिक कार्ड दिया गया होता है, नहीं तो RTX 2050 भी मिल जाएगा बट 11 जनरेशन का प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर उसका लेटेस्ट नहीं होता। एंड ये जो Vitus लैपटॉप है ना ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसके अंदर हमें Ryzen 5 का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है, 7535HS 7000 सीरीज का। स्कोर्स आपके सामने, इस पेट के अंदर हमें जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स मिल जाते हैं ना सबके कंपैरिजन में सबसे बढ़िया प्रोसेसर ये वाला है, तो टोटली वर्थ इट है मेरे अकॉर्डिंग। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा 54,000 रुपीज करंट प्राइस चल रहा है इस लैपटॉप का, लेकिन अगर आप इससे बाय करोगे ना तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 8GB की रैम है, लेटेस्ट रैम है DDR5 4800 MHz वाली, एक्सपेंडेबल है 16GB तक, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक चीज है कि लैपटॉप का प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज, ये तीनों चीजें लेटेस्ट मिल जाती हैं। रैम के मेगाहर्ट्ज़ ज्यादा, इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ गई, प्रोसेसर लेटेस्ट है, ऑब्वियसली बढ़िया परफॉर्मेंस देगा एंड Gen 4 SSD है। देखो Gen 4 SSD ना लेटेस्ट SSD है, इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, 15.6 इंच की फुल एचडी IPS डिस्प्ले मिल जाती है, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली, 9 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम है, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 50W है, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली जस्टिफाइड लैपटॉप, बढ़िया ग्राफिक कार्ड दिया गया एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो एंड इसके स्कोर्स को चेक कर लो। MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, 70W की बैटरी के साथ 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही 1 USB Type-C जो कि डिस्प्ले पोर्ट का भी काम कर लेती है, 1 USB Type-A, HP स्लीप एंड चार्ज, आफ्टर
दैट यूएसबी टाइप ए, एचडीएमआई, RJ45 एंड 3.5mm कॉम्बो। पोर्ट्स मतलब के हर एक पोर्ट आपको इसके अंदर मिल रही है। बढ़िया लैपटॉप है, गो फॉर इट। देखो जितने भी लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया ना, सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल जाएंगे। एक चीज है, गेमिंग लैपटॉप का अपने पास एक ही बढ़िया ऑप्शन है एचपी का। आफ्टर दैट जो भी मैंने आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताए हैं उनमें से आपको जो भी लैपटॉप अच्छा लगता है अपने बजट के अकॉर्डिंग आप उसे बाय कर लो। सभी के सभी लैपटॉप सबसे बढ़िया लैपटॉप्स हैं इस बजट के। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।